बात करते हैं रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की। ये जंग दरअसल भारत और रूस की दोस्ती का इम्तिहान ले रही है, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर है तो दूसरी तरफ सुपर दोस्ती भी है, और ये दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। भारत संकट की घड़ी में रूस के साथ दोस्ती का तकाजा निभा रहा है, लेकिन ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ नेटो और क्वाड के देश एकजुट हैं सिवाय भारत के, लेकिन भारत का नजरिया साफ है कि वो अमेरिका के दबाव में आकर रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती का बंधन नहीं तोड़ने जा रहा। महायुद्ध की ज्वाला में यूक्रेन जल रहा है, धरती से आसमान तक तबाही की तस्वीरें हैं। भयंकर बमबारी से यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं, बम धमाकों और मिसाइलों के हमले में आशियाने खंडहर में बदल रहे हैं। आग और धुएं के गुबार में जिंदगी का दम घुटा जा रहा है, लेकिन जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं चल रही, एक युद्ध कूटनीतिक मोर्चे पर भी हो रही है। इस महायुद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देश। अमेरिका ने भले ही यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपनी सेना नहीं उतारी, लेकिन वो कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चेबंदी कर रूस को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपने तमाम सहयोगी देशों को रूस के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम चला रहा है। भारत भी अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि वो भारत से खुश नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बाइडेन की बात सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो भारत से कितने निराश और कितने नाराज हैं। We presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so has Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. We presented a united front throughout NATO and the Pacific. अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाइडेन के बयान की वजह क्या है? महायुद्ध के बीच अमेरिका भारत से नाराज क्यों है? क्या अमेरिका के रूस विरोधी प्लान में भारत फिट नहीं है? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीर दुनिया के दो बड़े और शक्तिशाली देशों के नेताओं की है, पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों विश्व नेताओं के बीच दोस्ती का अटूट बंधन है, समय की कसौटी पर यह रिश्ता खरा उतरा है। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है। दो अभिन्न मित्रों के रूप में हमारी नियमित रूप से मुलाकातें हुई है, मैंने आपसे टेलीफोन पर कई मामलों पर चर्चा की है, मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई। पिछले 7 दशक में रूस ने हर मुसीबत हर संकट की घड़ी में भारत का साथ दिया है, तो भारत भी दोस्ती के इम्तिहान में हमेशा अव्वल नंबरों से पास हुआ है। मोदी और मैं हम नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और हमारी बैठकें बहुत अच्छी परंपरा है। भारत और रूस की मैत्री की सबसे बड़ी परीक्षा रूस यूक्रेन महायुद्ध में हुई, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस का हाथ और साथ दोनों ही नहीं छोड़ा। भारत का रवैया यूक्रेन लड़ाई के अंदर रूस के साथ जो है उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं है, क्यों कि भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत को जो कर रहा है वो उसके राष्ट्रहितों के लिए सबसे बेहतरीन है। जो बाइडेन भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक कंपल्शन है कि वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। इसके कई प्रमाण पिछले 1 महीने में देखने को मिले हैं। महायुद्ध के दौरान जब रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र आम सभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग की बारी आई तो भारत वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका और नेटो देशों से अलग रुख अपनाते हुए भारत ने रूस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया।
इसके साथ ही भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद का विकल्प भी खुला रखा। महायुद्ध के बीच पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। जाहिर है रूस को लेकर भारत का रुख अमेरिका को रास नहीं आ रहा है और अब अमेरिका अपनी नाराजगी को छिपा भी नहीं रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा बयान में इसकी साफ झलक मिलती है। बाइडेन ने क्वाड का जिक्र किया। क्वाड का गठन चीन के खिलाफ किया गया और इसमें अमेरिका के साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया तो साफ तौर पर रूस के खिलाफ हैं, लेकिन भारत का रवैया उनसे अलग है। बाइडेन ने यह भी कहा कि भारत की वजह से क्वाड रूस के खिलाफ ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा है। भारत की विदेश नीति बायलेटरलिज्म पर आधारित है। भारत की दुनिया के अनेक देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिनमें अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का केंद्र बिंदु यही है कि दोनों देश एक दूसरे के राष्ट्र हितों को पहचानते हैं, उनका आदर करते हैं। वैसे देखा जाए तो जिस चीन के खिलाफ क्वाड का गठन किया गया वो भी इस महायुद्ध में रूस के खिलाफ स्टैंड लेने से बच रहा है और ये बात भी अमेरिका को बेचैन कर रही होगी। इससे पहले जब भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने की बात की थी तब व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने भी भारत को नसीहत दी थी, लेकिन अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका रूठे तो रूठे, लेकिन पुराने दोस्त रूस का साथ न छूटे। भारत जानता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते काफी अहम हैं। लेकिन भारत अमेरिका के प्रेशर में आकर रूस के साथ अपने संबंध खराब करना भी नहीं चाहता है। हाल ही में जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में पीएम मोदी और उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद किशिदा ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या क्या कहा वो सुनिए। यानी जापान का रुख रूस के खिलाफ है और जापान चाहता है कि भारत ने खुलकर रूस के खिलाफ सख्ती दिखाए, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो और दोनों देश मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझा लें, लेकिन भारत ने जापान के सुर में सुर मिलाकर रूस को कोसा नहीं। आज की हमारी मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन भारत और रूस के बीच की दोस्ती भी सुपर है और भारत का नजरिया बिल्कुल साफ है कि वो सुपर पावर के दबाव में आकर रूस के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।